हेलो गाइस, आज हम मारुति सुजुकी ब्रेजा और हुंडई क्रेटा के बेस मॉडल्स का कंपैरिजन करेंगे। ये इन दोनों वेरिएंट्स के नाम हैं और ये इनके एवरेज एक्स शोरूम प्राइसेस हैं। ठीक है, इंजन की बात करी जाए तो ब्रेजा में हमें 1462 सीसी का 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन मिलता है फोर वॉल्स के साथ में DOHC टाइप का। क्रेटा में 1497 सीसी का 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन मिलता है फोर वॉल्स के साथ में DOHC टाइप का। इंजन हमें ब्रेजा में K15C स्मार्ट हाइब्रिड इंजन मिलता है, क्रेटा में 1.5 लीटर का IMPI पेट्रोल इंजन मिलता है। फ्यूल टाइप दोनों गाड़ियों का पेट्रोल है। मैक्स पावर की बात करी जाए तो हमें मारुति में 102 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 6000 RPM पे, क्रेटा में 113 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 6300 RPM पे। मैक्स टॉर्क की बात करी जाए तो ब्रेजा में 136.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है 4400 RPM पे, क्रेटा में 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है 4500 RPM पे। माइलेज की बात करी जाए तो माइलेज लगभग दोनों गाड़ियों का सेम है। ये माइलेज हमारा ARAI माइलेज है, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस में लिया गया माइलेज। ड्राइव टाइप दोनों गाड़ियों का फ्रंट व्हील ड्राइव है। ट्रांसमिशन दोनों ही गाड़ियों में हमें मैनुअल मिलता है, ब्रेजा में 5 गियर्स और क्रेटा में 6 गियर्स। एमिशन स्टैंडर्ड दोनों गाड़ियों का BS6 फेज 2 है। हमें दोनों गाड़ियों में आइडल स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है, ब्रेजा में हमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग का फीचर भी मिलता है। जो आपको यहाँ स्मार्ट हाइब्रिड इंजन मिलता है ना, इसका काम ही यही होता है, ये फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इंजन हमारे पास गाड़ी में एक इलेक्ट्रिक बैटरी होती है तो उससे क्या होता है एक्सलेशन के टाइम पे ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन ना हो, इसलिए हमें इंजन क्या करता है बैटरी का यूज़ करता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करता है एक्सलेशन के टाइम पे एकदम से, और ब्रेकिंग के टाइम पे भी जो हमारी एनर्जी लॉस होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके बैटरी में सेव कर लेता है। यही यहाँ पे स्मार्ट हाइब्रिड इंजन आपका काम आता है। ठीक है, डायमेंशंस की बात करी जाए तो क्रेटा में हमें थोड़ी लेंथ बड़ी है, विड्थ हमारी दोनों गाड़ियों की सेम है, हाइट हमारी ब्रेजा की थोड़ी सी ज़्यादा है। व्हील बेस ब्रेजा का 2500 mm, क्रेटा का 2610 mm। दोनों ही गाड़ियाँ हमारी 5 डोर्स की आती हैं, साथ में आती है 5 सीटर है। नंबर ऑफ डोर्स दोनों गाड़ियों में 2 हैं। बूट स्पेस ब्रेजा का 328 लीटर्स, क्रेटा का 433 लीटर्स है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी ब्रेजा की 48 लीटर्स है, क्रेटा की 50 लीटर्स है। सस्पेंशन की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में हमें मैकफर्सन शर्ट मिलता है फ्रंट में कॉइल स्प्रिंग के साथ में। रियर सस्पेंशन की बात करी जाए तो मारुति में हमें टॉर्शन भी मिलता है कॉइल स्प्रिंग के साथ में, क्रेटा में कपल टॉर्शन भी मैक्सिमम मिलता है। फ्रंट ब्रेक टाइप मारुति का वेंटिलेटेड डिस्क है, क्रेटा का डिस्क है। रियर ब्रेक टाइप ब्रेजा का ड्रम है, क्रेटा का डिस्क है। दोनों ही गाड़ियों में हमें पावर असिस्टेड इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील मिलता है। व्हील्स दोनों गाड़ियों में स्टील मिलते हैं हमें, स्पेयर व्हील भी दोनों गाड़ियों में स्टील मिलता है। टायर्स की बात करी जाए तो फ्रंट और रियर दोनों में हमें ब्रेजा में 215 mm विड्थ के 60 एस्पेक्ट रेशियो के 16 इंच के टायर्स मिलते हैं, क्रेटा में 205 mm विड्थ के 65 एस्पेक्ट रेशियो के 16 इंच के टायर्स मिलते हैं। दोनों ही गाड़ियों में हमें एक बीप मिलती है 80 km/h के ऊपर, कंटिन्यूस बीप मिलती है 120 km/h के ऊपर। इमरजेंसी ब्रेक लाइट फ्लैशिंग हमें ब्रेजा में नहीं मिलती है, क्रेटा में मिलती है। एनकैप रेटिंग की बात करी जाए तो ब्रेजा की टेस्टिंग नहीं हुई है, क्रेटा हमारी 3 स्टार है ग्लोबल एनकैप और 5 स्टार है एशियन एनकैप। एयरबैग्स हमारे ब्रेजा में 2 मिलते हैं, क्रेटा में 6 मिलते हैं। रेयर मिडिल 3 पॉइंट सीट बेल्ट हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। TPMS ब्रेजा में नहीं मिलता है, क्रेटा में मिलता है। चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाती है। ABS EBD हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। ब्रेक असिस्ट ब्रेजा में मिलता है, क्रेटा में नहीं मिलता है। ESP हिलोल्ड कंट्रोल हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी हमें ब्रेजा में नहीं मिलता है, क्रेटा में मिलता है। इंजन इमोबिलाइजर, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक हमें दोनों गाड़ियों में मिलती है। सेंट्रल लॉकिंग हमें ब्रेजा में कीलेस मिलती है, क्रेटा में रिमोट सेंट्रल लॉकिंग। एयर कंडीशनर हमें दोनों गाड़ियों में मैनुअल मिलता है। फ्रंट AC हमें दोनों गाड़ियों में कॉमन पंच स्पीड कंट्रोल मिलता है, मारुति में हमें सिंगल जोन मिलता है। रियर AC हमें दोनों गाड़ियों में वेंट्स मिलती है फ्रंट आर्मरेस्ट के पीछे, ब्रेजा में हमें ब्लोअर भी मिलता है। हीटर हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। वैनिटी मिरर्स और सनवाइजर्स हमें ब्रेजा में नहीं मिलते हैं, क्रेटा में को ड्राइवर के लिए मिलते हैं। कैबिन बूट एक्सेस दोनों गाड़ियों में मिलता है। एंटी ग्लेयर मिरर्स हमें दोनों गाड़ियों में मैनुअल मिलते हैं। पार्किंग सेंसर्स हमें दोनों गाड़ियों में रेयर में मिलते हैं। हेडलाइट एंड इग्निशन ऑन रिमाइंडर दोनों गाड़ियों में मिलता है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट दोनों गाड़ियों में टिल्ट मिलता है। 12 वोल्ट पावर आउटलेट दोनों गाड़ियों में मिलते हैं, क्रेटा में 1 मिलता है। ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट दोनों गाड़ियों में हमें मिलता है। ब्रेजा में 4-वे मैनुअली एडजस्टेबल, क्रेटा में 8-वे मैनुअली एडजस्टेबल। फ्रंट पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट ब्रेजा में 4-वे और क्रेटा में 6-वे। रियर रो सीट एडजस्टमेंट क्रेटा में 2-वे।
सीट अपहोल्स्ट्री दोनों की ही फैब्रिक है। ड्राइवर आर्मरेस्ट हमें ब्रेजा में नहीं मिलता है, क्रेटा में मिलता है। रेयर पैसेंजर सीट टाइप दोनों ही गाड़ियों की बेंच है। इंटीरियर्स हमें ब्रेजा में सिंगल टोन मिलते हैं, क्रेटा में डुअल टोन। इंटीरियर कलर्स की बात करी जाए तो ब्रेजा में ब्लैक कलर और क्रेटा में ब्लैक एंड बीच का ऑप्शन मिलता है। रेयर आर्मरेस्ट की बात करी जाए तो ब्रेजा में हमें नहीं मिलता है, क्रेटा में कप होल्डर्स के साथ में मिलता है। फोल्डिंग रेयर सीट हमें दोनों गाड़ियों में फुल फोल्डिंग मिलती है। स्प्लिट रेयर सीट हमें ब्रेजा में नहीं मिलती है, क्रेटा में 640 स्प्लिट के साथ में। फ्रंट सीट बैक पॉकेट्स हमें ब्रेजा में मिलते हैं, क्रेटा में नहीं मिलते हैं। हेडरेस्ट हमें दोनों गाड़ियों में फ्रंट में मिलते हैं। कप होल्डर्स हमें दोनों गाड़ियों में फ्रंट में मिलते हैं। ड्राइवर आर्म स्टोरेज हमें ब्रेजा में नहीं मिलता है, क्रेटा में मिलता है। ORVMs हमें दोनों गाड़ियों में बॉडी कलर मिलते हैं। पावर विंडोज हमें दोनों गाड़ियों में फ्रंट और रेयर में मिल जाती हैं। वन टच अप और वन टच डाउन हमें ब्रेजा में ड्राइवर के लिए मिल जाता है, क्रेटा में नहीं मिलता है। एडजस्टेबल ORVMs हमें दोनों गाड़ियों में मिलते हैं, ब्रेजा में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, क्रेटा में इंटरनली एडजस्टेबल। टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVMs हमें ब्रेजा में मिलते हैं, क्रेटा में नहीं मिलते हैं। एक्सटीरियर डोर हैंडल्स दोनों गाड़ियों में बॉडी कलर मिलते हैं। इंटीरियर डोर हैंडल्स दोनों गाड़ियों में पेंटेड मिलते हैं। डोर पॉकेट्स दोनों गाड़ियों में फ्रंट और रेयर में मिलते हैं। बूटलेट ओपनर हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है, ब्रेजा में इंटरनल मिलता है रिमोट से और क्रेटा में इलेक्ट्रिक टेलर रिलीफ फीचर के साथ में। रूफ माउंटेड एंटीना, बॉडी कलर्ड बम्पर्स हमें दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। क्रोम फिनिश एग्जॉस्ट पाइप हमें ब्रेजा में नहीं मिलता है, क्रेटा में मिलता है। क्लैडिंग हमें ब्रेजा में मिलती है, क्रेटा में नहीं मिलती है। हेडलाइट्स हमें हेलोजन मिलती हैं दोनों गाड़ियों में। फॉलोइंग होम हेडलाइट्स हमें ब्रेजा में नहीं मिलते हैं, क्रेटा में मिलते हैं। टेल लाइट्स हमें LED मिलती हैं ब्रेजा में, क्रेटा में हेलोजन। कैबिन लैंप्स हमें फ्रंट और रेयर दोनों में मिल जाते हैं। रेयर रीडिंग लैंप हमें ब्रेजा में मिलता है, क्रेटा में नहीं मिलता है। हेडलाइट हेडस्टेटर दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। इंस्टेंटेनियस कंजम्पशन हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड, लो फ्यूल लेवल वार्निंग, डोर अजार वार्निंग, ये सारी चीज़ें हमें दोनों गाड़ियों में मिलती हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमें ब्रेजा में एनालॉग मिलता है, क्रेटा में एनालॉग डिजिटल का कॉम्बिनेशन। ट्रिप मीटर हमें दोनों गाड़ियों में टू ट्रिप्स के साथ में आता है। क्लॉक हमें ब्रेजा में एनालॉग मिलती है, क्रेटा में डिजिटल मिलती है। एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस हमें ब्रेजा में नहीं मिलता है, क्रेटा में मिलता है। शिफ्ट इंडिकेटर हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है, क्रेटा में डायनेमिक मिलता है। टेकोमीटर हमें दोनों गाड़ियों में एनालॉग मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में हमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट नहीं मिलता है। वारंटी हमें ब्रेजा में 2 साल की मिलती है विद 40,000 किलोमीटर्स, क्रेटा में 3 साल विद अनलिमिटेड किलोमीटर्स। कलर्स आप देख सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।